हेलो, आवाज आ रही सभी को? ओके, सो गुड मॉर्निंग टू ऑल। तो लास्ट लेक्चर हमने इंडिकेटर के बारे में बताया था। अब आज हम ये बताएंगे कि टाइट्रेशन में हम कौन सा इंडिकेटर यूज करेंगे। ओके, तो एसिड बेस्ड टाइट्रेशन करेंगे एंड देन उसमें कौन सा इंडिकेटर यूज होगा वो आज हम बताएंगे। तो एसिड बेस टाइट्रेशन, ओके, सो एसिड बेस टाइट्रेशन लेंगे यार। थोड़ा वेट कर रहे थे, देन स्टार्ट कर। तो वो डाउट लेक्चर में डिस्कस कर लेंगे, कल डाउट लेक्चर उसमें डिस्कस कर लेंगे वाला कुछ।
हाँ तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो देखो एसिड बेस टाइट्रेशन जो है उसमें ऑब्वियसली एसिड और बेस का रिएक्शन किया जाएगा। नाउ तुमने किया है क्या लैब में एसिड बेस टाइट्रेशन किया है? ब्यूरेट पिपेट वगैरह यूज करके करते हैं। तो ऑब्वियसली कुछ लोगों ने किया होगा क्योंकि ऑफलाइन बंद है, तो ऑब्वियसली मैक्सिमम लोग नहीं कर पाए होंगे, बाकी कुछ लोगों ने पहले 10th से पहले ही कर लिया होगा। तो देखो एसिड बेस टाइट्रेशन में क्या होता है, हमारे पास ये फॉर्मूला लगता है M1V1 = M2V2। ये फॉर्मूला लगता है, मतलब वहां पर क्या होता है, हमें हमारे पास दो सॉल्यूशन होते हैं। ओके एसिड बेस टाइट्रेशन में क्या होता है, दो सॉल्यूशन होते हैं, उनमें से एक का मोलरिटी पता होता है, उसका वॉल्यूम भी हमें पता होता है, एंड सेकंड वाले का मोलरिटी जो है हमें निकालना होता है। ठीक है, सेकंड वाले का क्या करते हैं, मोलरिटी हम निकालते हैं। ठीक है, ये अननोन है, ये हमें निकालना होता है। और V2 जो है हमारे पास यहाँ पर मिलता है, V2 जो है वो कैसे आता है, V2 हमें रीडिंग लेके मिलता है, और V2 का रीडिंग कैसे आता है, ये हमें जब कलर चेंज होता है सॉल्यूशन का तो हम V2 का रीडिंग लेते हैं। ठीक है, तो एक्चुअली में अभी यहाँ पर क्या है, हमें M1 पता है, V1 पता है, और V2 हमें रीडिंग से मिल जाता है जब कलर चेंज होता है। तो हम फॉर्मूला लगा देते हैं M1V1 = M2V2, तो हमें M2 मिल जाता है, ऐसा कॉन्सेप्ट होता है। ठीक है, दो सॉल्यूशन लिया जाता है, दोनों का ऑब्वियसली एक एसिड का सॉल्यूशन एक बेस का सॉल्यूशन। तो एसिड और बेस जो है आपस में रिएक्ट करते हैं। ठीक है, तो एसिड का सॉल्यूशन ले लेते हैं, तो हमारे पास जैसे मान लो ये जो है ये एसिड सॉल्यूशन है, या ये इसमें मान लो M1 MV1 वाला है। ठीक है, और यहाँ से हम ऊपर से क्या डाल रहे होते हैं, दूसरा सॉल्यूशन ड्रॉप बाय ड्रॉप डाल रहे होते हैं। ठीक है, तो दूसरा सॉल्यूशन जब ड्रॉप बाय ड्रॉप डालेंगे जिसका हमें मोलरिटी नहीं पता है, ओके, तो V2 वॉल्यूम पर वो कलर चेंज कर देगा। V2 वॉल्यूम पर क्या करेगा, वो कलर चेंज कर देगा। ओके, तो जब V2 वॉल्यूम पर वो कलर चेंज करेगा तो वो वाली रीडिंग हम नोट कर लेंगे, और हम क्या बोलेंगे कि वो कलर चेंज कब करता है, वो कलर चेंज करता है जब M1V1 = क्या होता है, M2V2। ओके, तो ये हमारे पास कलर चेंज होता है, वो कलर चेंज किस वजह से होता है, वो इंडिकेटर की वजह से होता है। तो हमें यही देखना है कि यार कौन सा इंडिकेटर जो है वो V2 वॉल्यूम पर कलर चेंज करेगा, या हम बोल सकते हैं कौन सा इंडिकेटर इक्विवेलेंट पॉइंट M1V1 = M2V2 जो है, M1V1 = M2V2 पर कौन सा, मतलब M1V1 = M2V2 जब होगा, ठीक है, इसको हम बोलते हैं इक्विवेलेंट पॉइंट। M1V1 = M2V2 पर कौन सा इंडिकेटर कलर चेंज करेगा सॉल्यूशन का, उसी इंडिकेटर को हम यूज करते हैं एसिड बेस टाइट्रेशन। ठीक है, हमें वही यहाँ पर देखना है कि एसिड बेस टाइट्रेशन जो है उसमें इक्विवेलेंट पॉइंट पर कलर चेंज कौन सा इंडिकेटर करता है। ओके, तो यहाँ पर सूटेबल इंडिकेटर का मतलब क्या है, तो सूटेबल इंडिकेटर क्या करता है, इट इंडिकेट्स इक्विवेलेंट पॉइंट। ओके, इट इंडिकेट्स इक्विवेलेंट पॉइंट, और इक्विवेलेंट पॉइंट कैसे इंडिकेट करता है, कलर चेंज करके। ठीक है, तो वो जो है वो क्या करेगा, इक्विवेलेंट पॉइंट पर कलर चेंज करेगा, दैट इज इट चेंज, दैट इज इट चेंजेस कलर ऑफ सॉल्यूशन सॉल्यूशन एट इक्विवेलेंट पॉइंट। ठीक है, इक्विवेलेंट पॉइंट पर ये क्या करता है, कलर चेंज कर देता है। नाउ इक्विवेलेंट पॉइंट क्या है,
इक्विवेलेंट पॉइंट पर क्या होता है, जैसे मैंने बताया एम वन वी वन इक्वल टू एम टू वी टू होता है, ठीक है, एट इक्विवेलेंट पॉइंट ये रहता है, एट इक्विवेलेंट पॉइंट एम वन वी वन इज इक्वल टू एम टू वी टू। याद रखना यहाँ पर हम जो एम वन वी वन इज इक्वल टू एम टू वी टू लगा रहे हैं, तो दोनों जो है एसिड एसिड जो और बेस जो है दोनों में एक एच पॉजिटिव और एक ओ एच नेगेटिव है, ठीक है, मतलब यहाँ पर एसिड जो है ये किसके लिए है, एम वन वी वन इज इक्वल टू एम टू वी टू, इट इज फॉर टाइट्रेशन ऑफ मोनो बेसिक एसिड एंड मोनो एसिडिक बेस। तो बेसिकली हमें यही देखना है कि इक्विवेलेंट पॉइंट पर कौन सा इंडिकेटर कलर चेंज कर, ओके, हमें क्या देखना है कि इक्विवेलेंट पॉइंट पर कौन सा इंडिकेटर कलर चेंज करेगा। देखो प्रीवियस पेज देखो, ये अगर हमारे पास मोनो एसिडिक मतलब एसिड अगर एक एच पॉजिटिव दे रहा है और बेस एक ओ एच नेगेटिव दे रहा है, तो एम वन वी वन इज इक्वल टू एम टू वी टू जो है वो एट इक्विवेलेंट पॉइंट होगा। यस सर, ये हो गया ये फेज सबका ना। तो एम वन वी वन इज इक्वल टू एम टू वी टू जो है वो क्या होता है, इक्विवेलेंट पॉइंट होता है, लेकिन इक्विवेलेंट पॉइंट किसके लिए होता है, एट इक्विवेलेंट पॉइंट एम वन वी वन इज इक्वल टू एम टू वी टू कब होगा, जब हमारे पास मोनो बेसिक एसिड होगा मतलब एसिड एक एच पॉजिटिव देगा जैसे HCl, और मोनो एसिडिक बेस होगा मतलब एक ओ एच नेगेटिव देगा जैसे NaOH वगैरह, ओके, उसके लिए एम वन वी वन इज इक्वल टू एम टू वी टू। अदरवाइज इक्विवेलेंट पॉइंट का अगर हम देखेंगे तो एट इक्विवेलेंट पॉइंट ये होता है, बट अभी तक हमने नॉर्मलिटी की बात की नहीं है, दैट्स व्हाई हम ये बता रहे हैं, ठीक है। सो एट इक्विवेलेंट पॉइंट एक्चुअल में ये रहता है एन वन वी वन इज इक्वल टू एन टू वी टू, लेकिन मोनो बेसिक एसिड के लिए नॉर्मलिटी और मोलरिटी सेम, ऐसे ही मोनो एसिडिक बेस के लिए भी नॉर्मलिटी एंड मोलरिटी सेम है। तो हमारे पास जो इक्वेशन है वो क्या हो जाएगी, एम वन वी वन इज इक्वल टू एम टू वी टू हो जाएगी, ओके। तो अभी इसी चीज को मान के चलो कि एट इक्विवेलेंट पॉइंट एम वन वी वन इज इक्वल टू क्या होता है, एम टू वी टू होता है, लेकिन किसके लिए है, ये HCl जैसे एसिड के लिए है और NaOH जैसे बेस के लिए, मतलब जिस एसिड में एक एच पॉजिटिव है और जिस बेस में एक ओ एच नेगेटिव है उन्हीं के लिए। ठीक है, तो अब हमें मतलब यहां पर क्या करना है राजीव, दिस इज सेकंड पेज, फर्स्ट पेज ये है, तो अब हमें यहां पर क्या करना है, हम अब एसिड बेस टाइट्रेशन करेंगे और हम देखेंगे यार कौन सा इंडिकेटर जो है, ऑब्वियस यहां पर पीएच वगैरह का कॉन्सेप्ट लगा के हम देखेंगे कि कौन सा इंडिकेटर एट इक्विवेलेंट पॉइंट कलर चेंज कर सकता है। तो यहां पर जो लास्ट लेक्चर हमने बताया था ना पीएच रेंज ऑफ इंडिकेटर वो एक काम आएगा, देव मोनो बेसिक एसिड मतलब HCl जैसा और मोनो एसिडिक बेस मतलब NaOH जैसा, मतलब जिस एसिड में एक एच पॉजिटिव है वो मोनो बेसिक एसिड होता है, ये हमने बताया फर्स्ट लेक्चर ऑफ आयनिक इक्विलिब्रियम, और मोनो एसिडिक बेस मतलब जिस बेस में एक ओ एच नेगेटिव है वो मोनो एसिडिक बेस। एन वन वी वन इज इक्वल टू एन टू वी टू जो है वो देव एट इक्विवेलेंट पॉइंट ये फॉर्मूला लगता है, लेकिन अभी तक हमने नॉर्मलिटी तुम्हें नहीं बताया, दैट्स व्हाई हम जस्ट मोलरिटी को यूज करके तुम्हें बता रहे हैं, नॉर्मलिटी अभी तक पढ़ाया नहीं है तो हमने मोलरिटी को यूज किया है।
यस मिताली, डिफरेंट रिएक्शन के लिए डिफरेंट इंडिकेटर यूज किए जाते हैं, बट मेनली हम यहाँ पर फिनोप्लेन एंड मिथाइल ऑरेंज की ही बात करें, मतलब उन दोनों इंडिकेटर में से कौन सा इंडिकेटर यूज किया जाएगा उसकी हम बात करें। ठीक है, तो देखो सबसे पहले हम यहां पर लेते हैं अभी स्ट्रॉन्ग एसिड वर्सेज स्ट्रॉन्ग बेस, ये वाला टाइप देख ले, स्ट्रॉन्ग एसिड वर्सेज स्ट्रॉन्ग बेस टाइप देख हम लेंगे। नॉर्मलिटी नेक्स्ट चैप्टर में आएगा, जल्दी लिखो। यस साक्षी, श्रावणी इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर वही है वॉल्यूमेट्रिक है, जिसमें नॉर्मेलिटी वगैरह पढ़ाएगी। हो गया सबका ना? नाउ स्ट्रॉन्ग एसिड वर्सेज स्ट्रॉन्ग बेस, एग्जांपल हम ले लेते हैं HCl वर्सेज NaOH। ठीक है, तो अब देखो जब लैब में हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तब तो हमारे पास क्या, हम कलर चेंज देखते हैं कि यार कलर चेंज जो है कब होगा, तो वो वाला वॉल्यूम का रीडिंग नोट कर लेंगे। लेकिन यहाँ पर हम क्या करेंगे, हमें पता है कि यार एट इक्विवेलेंट पॉइंट कलर चेंज होगा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इसका अज्यूम कर लेते हैं कि यार इसका कॉन्सेंट्रेशन पॉइंट 1 मोलार है और HCl का वॉल्यूम जो है 40 ml मान लिया। ठीक है, तो हम नीचे HCl ले रहे हैं वर्सेज NaOH, मतलब NaOH डाल रहे हैं उसमें, तो NaOH का कॉन्सेंट्रेशन पॉइंट 1 मोलार हमें ले लिया है। एंड हमें पता है कि यार जब इसका 40 ml होगा तो क्या होगा, इक्विवेलेंट पॉइंट आ जाएगा ना, क्योंकि तभी m1 v1 इज इक्वल टू क्या होगा m2 v2। ठीक है, तो मतलब 40 ml पर कलर चेंज होना चाहिए। ओके, 40 ml पर क्या होना चाहिए, कलर चेंज होना चाहिए। तो अभी हम वही देखेंगे कि यार जैसे हम NaOH के मोल सॉरी NaOH का वॉल्यूम ऐड करते जाएंगे या जैसे जैसे NaOH डालते जाएंगे तो pH क्या आता है। ठीक है, हम क्योंकि हम pH के थ्रू तय करेंगे कि कौन सा इंडिकेटर यूज करेंगे। तो आज अब हम अभी जो टाइट्रेशन कराने वाले हैं ना, इसमें अभी तक जो हमने पढ़ा है सब यूज हो जाएंगे। ओके, तो देखो हम यहाँ पर क्या करेंगे, याद है ना ड्रॉप बाय ड्रॉप डालते हैं जब हम एक्सपेरिमेंट करते हैं, तो हम क्या बोलते हैं कि ड्रॉप बाय ड्रॉप डालना चाहिए। नहीं रिया, ये एक्चुअली क्या है, ये तो हमने क्या एज्यूम कर लिया है, यहाँ पर हमने जो कॉन्सेंट्रेशन वगैरह है वो एज्यूम कर लिया कि यार इसका 0.1 मोलार ले लिया, इसका 0.1 मोलार ले लिया, इसका 40 ml ले लिया और एट इक्विवेलेंट पॉइंट ऑब्वियसली इसका भी 40 ml आएगा। ठीक है, तो 40 ml पर कलर चेंज करना चाहिए, बट हम डायरेक्ट 40 ml नहीं डालने वाले, हम धीरे धीरे वॉल्यूम ऑफ NaOH ऐड करने वाले। ठीक है, और हम फिर देखेंगे कि 40 ml पर कलर चेंज होना चाहिए। तो क्या होता है कि जब हम एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं तो क्या बोलते हैं टाइट्रेशन में कि ड्रॉप बाय ड्रॉप हमें ऐड करना चाहिए, ऐसा बोलते हैं। तो हम यहाँ पर एक ड्रॉप को मान लेते हैं अप्रोक्सीमेटली 1 ml, 0.1 ml, एक ड्रॉप में अप्रोक्सीमेटली होता है 0.1 ml। ओके, सो हम जब 40 ml के पास में जाएंगे तो क्या करेंगे, एक एक ड्रॉप ऐड करेंगे। ओके, 40 ml के पास में एक एक ड्रॉप ऐड करेंगे, उससे पहले तो हमें पता है कि इक्विवेलेंट पॉइंट आ ही नहीं रहा है, तो 40 ml पर कैसे ये चेंज हो रहा है हमें वो देखते हैं। तो यस रिया, क्वेश्चन में ऑब्वियसली अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आया तो वहां पर कॉन्सेंट्रेशन दे देंगे, बाकी यहाँ पर हमने उसको जस्ट मान लिया 0.1 मोलार दोनों का कॉन्सेंट्रेशन। तो अब देखो हम यहाँ पर क्या करेंगे, जैसे जैसे वॉल्यूम ऑफ NaOH ऐड करेंगे हम देखेंगे पीएच कैसे आ रहा है। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ NaOH एंड पीएच, तो हाँ तो देवी का वही तो हमें चेक करना है कि कौन सा इंडिकेटर यूज करें हम। ओके, यस साक्षी, वी आर अज्यूमिंग कि
मतलब जनरली ऐसा होता है कि वन ड्रॉप में 0.1 ml के अराउंड ही आता है, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ NaOH जब 0 ml हम लेंगे, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ NaOH हम किस में ले रहे हैं, ml में ले रहे हैं। तो जब वॉल्यूम ऑफ NaOH 0 है तो pH देखेंगे क्या है, इसके साथ साथ हम 10 ml डालेंगे तो pH देखेंगे कितना आ रहा है, 20 ml पर pH देखेंगे कितना आ रहा है, 30 ml पर देखेंगे कितना आ रहा है, फिर डायरेक्ट 40 पर नहीं जाएंगे, पहले हम एक 39 वाला ले लेते हैं, फिर एक 39.9 वाला ले लेते हैं, तो एक 40 वाला ले लेते हैं, ठीक है। एंड 40 के बाद में हम 40.1 एक ड्रॉप ज़्यादा डालेंगे इक्विवेलेंट पॉइंट से, वहाँ पर पीएच देखेंगे, फिर उसके बाद 41 पर ले लेंगे, 50 पर ले लेंगे, ठीक है। तो इस टाइप से हम यहाँ पर ये वाली रीडिंग देखेंगे, तो इससे देखेंगे कि कैसे हमारे पास पीएच जो है हमारे पास चेंज होगा, ठीक है। तो सबसे पहले तो क्या है, हम क्या लेते हैं, 0 ml ऑफ NaOH लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, 0 ml ऑफ NaOH लेते हैं, इसको A ले लेते हैं। तो 0 ml ऑफ NaOH मतलब क्या है बताओ यार, अगर हम 0 ml ऑफ NaOH ऐड कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या है, हमारे पास ऑलरेडी HCl है उसमें 0 ml ऑफ NaOH ऐड कर दिया, इसका मतलब क्या है कि मतलब हमने NaOH लिया ही नहीं, ओके तो हमने NaOH लिया ही नहीं, ओके तो हमारे पास जस्ट अभी क्या है, हमारे पास है 0.1 मोलार HCl है, ओके। अब 0.1 मोलार HCl का pH क्या होगा, ऑब्वियसली H पॉजिटिव कॉन्सेंट्रेशन पता है, तो माइनस लॉग ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड है ना, तो माइनस लॉग ऑफ 0.1, तो क्या आ गया pH 1 आ गया, क्लियर है क्या सबको। तो जब 0 ml ऑफ NaOH है तो pH क्या होगा, 1 होगा, ओके। तो pH आया हमारे पास 1, तो यहां पर हम लिख देंगे 1, ओके। यहां पर pH कितना लिख देंगे, 1 लिख देंगे, क्योंकि हमें पता है कि 0 ml ऑफ NaOH मतलब NaOH ही नहीं है ना, जस्ट हमारे पास क्या है, HCl। अच्छा, अब 10 ml ऑफ NaOH डाला हमने, कितना डाला, 10 ml ऑफ NaOH, तो 10 ml ऑफ NaOH डाला तो ऑब्वियसली अब NaOH आ गया ना हमारे पास, टेन एम एल ऑफ NaOH डाला मतलब NaOH आ गया। अब हमारे पास क्या है बताओ, HCl भी है और NaOH भी है, तो क्या होगा, HCl भी है और NaOH भी है तो क्या होगा, दोनों का टाइट्रेशन होगा ना, ये रिएक्शन होगा दोनों का, ओके तो दोनों का भी रिएक्शन होगा, तो HCl प्लस NaOH क्या देगा, NaCl है ना, तो रिएक्शन करा देते हैं अभी, तो HCl प्लस NaOH gives NaCl प्लस H2, तो HCl कितना है, HCl हमारे पास कितना है, HCl देखो 0.1 मोलार 40 ml है, मतलब कितना मिलीमोल हुआ, 4 मिलीमोल हुआ ना, तो HCl जो है वो 4 मिलीमोल है, ओके HCl कितना है 4 मिलीमोल, और NaOH कितना है, NaOH है 10 ml ऑफ 0.1 मोलार, मतलब कितना मिलीमोल हुआ, 10 ml ऑफ 0.1 मोलार कितना मिलीमोल हुआ, 1 मिलीमोल ना, तो NaOH है 1 मिलीमोल, ओके। तो अभी क्या होगा, रिएक्शन हुआ तो लिमिटिंग रिएजेंट कौन है, लिमिटिंग रिएजेंट कौन है, अभी NaOH है, ठीक है, तो पूरा NaOH हमारे पास क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, तो NaOH पूरा खत्म होगा
कितना बचेगा 0, ठीक है, HCl कितना बचेगा 3, NaCl हमारे पास क्या आएगा 1H2O1, ठीक है। अब बताओ ये क्या है, रिजल्टेंट सॉल्यूशन में हमारे पास क्या है, रिजल्टेंट सॉल्यूशन में हमारे पास 3 मिलीमोल HCl है और 1 मिलीमोल NaCl है, ये बफर सॉल्यूशन वगैरह है क्या, HCl एंड NaCl का मिक्सचर बफर सॉल्यूशन है क्या, नहीं ना, क्योंकि स्ट्रॉन्ग एसिड है ना, बफर सॉल्यूशन में क्या होता था, वीक एसिड होता था, ठीक है, ये एसिड और उसका सॉल्ट है, बट कौन सा एसिड है, ये वीक एसिड नहीं है, ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो स्ट्रॉन्ग एसिड एंड उसका सॉल्ट कोई बफर सॉल्यूशन नहीं है, तो पीएच कैसे निकाले, तो देखो अब यहाँ पर क्या है, ये स्ट्रॉन्ग एसिड बचा हुआ है हमारे पास, कौन बचा हुआ है, स्ट्रॉन्ग एसिड, जो पीएच आएगा वो इसी की वजह से आएगा, तो इसका कॉन्सेंट्रेशन निकाल लो, पहले क्या है भाई, इसका कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा, 3 मिलीमोल्स डिवाइड बाय वॉल्यूम कितना हो गया बताओ, वॉल्यूम कितना है, देखो 10 ml NaOH का लिया था, 40 ml HCl का लिया था, वॉल्यूम हो गया 50, वॉल्यूम कितना हुआ है, 50 हुआ है, 10 ml ऑफ NaOH, 40 ml ऑफ HCl, तो 50 हो गया, सो हमारे पास कॉन्सेंट्रेशन आ गया 3/50, ओके, सो HCl हमारे पास है, तो HCl का कॉन्सेंट्रेशन 3/50 है, तो pH क्या हो जाएगा, pH ऑब्वियसली आ जाएगा माइनस log 3/50, now what is minus log 3/50, it is obviously log of 50/3, ठीक है, log of 50/3 क्या हो जाएगा, ये आएगा अपने पास, कितना आएगा, log 10 is 1, log 5 is 1.7, 1.7 minus 1.7 माइनस 0.48, 1.7 माइनस 0.48 क्या होगा, कैलकुलेशन पार्ट भी करो कॉपी और टेबल भी कॉपी करो, दोनों करना है, नो रिया, इट इज नॉट सॉल्ट हाइड्रोलिसिस, सॉल्ट हाइड्रोलिसिस थोड़ी हुआ अभी, सॉल्ट हाइड्रोलिसिस कब आता है, जब इक्विवेलेंट पॉइंट आता है, इक्विवेलेंट पॉइंट थोड़ी आया है, ओके, ये बेसिकली एसिड बेस मिक्सचर वाला है, नहीं रिया, वो डिपेंड करेगा ना अपने पास, वो डिपेंड करेगा कि कौन एक्सेस में है, यहाँ पर एक्सेस में कौन है, यहाँ पर एक्सेस में कौन है, एसिड है तो एसिड की वजह से पीएच होगा, अगर एक्सेस में बेस होगा तो बेस की वजह से पीएच होगा, ठीक है, हाँ, तो हम क्या बता रहे थे, कितना आएगा, ये कितना आ रहा है, 1.22 आ रहा है, तो 1.22, ठीक है, सो पीएच कितना आ गया, 1.22, अच्छा अब ऐसा ही चलता जाएगा, कब तक बताओ, जब तक ये 40 ml नहीं हो जाता, क्योंकि जब तक 40 ml नहीं हो जाता या 4 मिलीमोल नहीं हो जाता, तो लिमिटिंग कौन रहेगा, NaOH रहेगा, ओके, लिमिटिंग कौन होगा, NaOH ही होगा ना, तो नेक्स्ट वाला हम डायरेक्ट लिख देंगे, तो देखो नेक्स्ट वाले में क्या होगा, नेक्स्ट वाले में इसका 2 मिलीमोल हो जाएगा, क्योंकि हम कितना ले रहे हैं, 20 ml ले रहे हैं, वी आर टेकिंग 20 ml है ना, तो कितना हो जाएगा, 2 मिलीमोल, ओके, तो इसका 2 मिलीमोल हो जाएगा, ये 4 में से 2 रिएक्ट करेगा, कितना बचेगा, 2 मिलीमोल बचेगा, ओके, तो 2 मिलीमोल बचेगा, कॉन्सेंट्रेशन क्या होगी, 2/60 हो जाएगी ना, तो माइनस लॉग 2/60, हम यहां से लिख सकते हैं डायरेक्ट log 30, ठीक है, एंड log 30 इज 1.48, क्लियर है, तो पीएच क्या आ जाएगा, 1.48 आ जाएगा, यस वैष्णवी, तो नाउ जब हम 30 ml ले लेंगे तो क्या होगा, 30 ml पर क्या होगा, 30 ml पर कितने हो जाएंगे, NaOH के 3 मिलीमोल हो जाएंगे ना, नाउ 3 मिलीमोल कंप्लीटली रिएक्ट कर जाएंगे, ये 4 में से 3 गया तो कितना बचा, 1 मिलीमोल, तो 1 मिलीमोल बचा, कॉन्सेंट्रेशन क्या हो गया HCl का, 1/वॉल्यूम कितना हो गया, NaOH का 30 लिया था और HCl कितना है 40, ओके, तो 70 हो गया ना, तो 1/70 आ जाएगा, तो माइनस लॉग 70, लॉग 70 कितना हो जाएगा, इट इज 1.8,
8 pi. ओके नाउ जब हम 39 ml लेंगे तो क्या होगा, 39 ml पर कितना मिलीवोल्ट हुआ यार, 39 ml पर 3.9 मिलीवोल्ट हुआ ना ये, बिकॉज 0.1 मोल आ रहा है, तो 3.9 कंप्लीटली रिएक्ट करेगा और ये कितना बचेगा, 4 में से 3.9 गया तो कितना बचा 0.1 ना, तो 0.1 मिलीमोल बचा, डिवाइड बाय वॉल्यूम कितना हो गया 79. ओके तो माइनस लॉग 0.1 डिवाइड बाय 79, लॉग ऑफ 790 को हम ऑलमोस्ट लॉग ऑफ 800 बोल ही सकते हैं, तो कितना आ जाएगा ये आ जाएगा अपने पास लॉग 800 कितना हो जाएगा, ये 2.9 हो जाएगा क्या, ना यस 2.9. दिवेश बोला सर आपकी वॉइस क्रैक हो रही है, वॉइस क्रैक हो रही है क्या, तो मैक्सिमम लोग नो सर ही बोल रहे हैं, एक दो ने यस सर बोला, यस सर एबिट थोड़ी हो रही है पर अभी अभी नहीं, अभी ठीक है ना, ओके हाँ नाउ नेक्स्ट पर चलते हैं. तो नेक्स्ट क्या है हमारे पास, 39.9. नाउ 39.9 ml जब लेंगे तो कितना मिलीमोल हुआ बताओ, 0.1 मोलार लिया है एंड 39.9 तो कितना हुआ, 3.99 मिलीमोल हुआ ना, तो NaOH का 3.99 मिलीमोल हमने लिया और ये है 4 मिलीमोल, ऑब्वियसली 3.99 लिमिटिंग हुआ ना, 3.99 पूरा रिएक्ट कर गया, ये 4 में से 3.99 गया तो कितना बचा 0.01, तो 0.01 मिलीमोल बचेगा एंड कॉन्सेंट्रेशन निकालेंगे तो 0.01 डिवाइड बाय वॉल्यूम कितना हो गया, 0.01 डिवाइड बाय वॉल्यूम हो गया अपने पास कितना हो गया 40 plus 39.9 मतलब 79.9 ना. ओके तो क्या आ जाएगा, माइनस लॉग ऑफ 0.01 डिवाइड बाय 79.9 तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा लॉग 7990 या लॉग ऑफ 8000. ठीक है तो लॉग ऑफ 8000 अप्रोक्सीमेटली मतलब अपने पास हो जाता है 3.9, तो यहाँ पर आ जाएगा 3.9. ओके तो हम जैसा बता रहे थे कि जब तक हमारे पास NaOH लिमिटिंग रहेगा तब तक ये होता रहेगा. ओके तो अभी नेक्स्ट वाले में जब हमने 40 ml ले लिया तो NaOH लिमिटिंग है क्या, जब 40 ml ले लिया तो क्या NaOH लिमिटिंग रहेगा, नहीं ना, दोनों के मिलीमोल सेम हो जाएंगे ना. तो अब हमें फिर से एक और देख लेते हैं वहां पर क्या होगा, उसे हम ले लेते हैं सी. तो 40 ml ऑफ NaOH यहाँ कोई लिमिटिंग नहीं है, HCl और NaOH दोनों के क्या हैं, सेम मिलीमोल्स हैं, तो यही एक्चुअली इक्विवेलेंट पॉइंट है. ठीक है तो इसके 4 मिलीमोल, इसके भी 4 मिलीमोल, इसके 0 0, ना ये दोनों कंप्लीटली रिएक्ट कर गए, इन दोनों का 4 4 आ गया. अब बताओ क्या होगा यहाँ पर. ठीक है जब हमारे पास सॉल्ट एंड वाटर होता है तो हम क्या बात करते हैं, सॉल्ट हाइड्रोलिसिस की, लेकिन हमें पता है कि सॉल्ट हाइड्रोलिसिस ऑफ NaCl नॉट पॉसिबल, तो फिर पीएच क्या आ जाएगा, पीएच आ जाएगा 7. याद है NaCl का पीएच क्या लेते थे हम, 7 लेते थे ना. ओके तो पीएच क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा. ओके तो जब हम 40 ml लेंगे तो पीएच हो जाएगा 7, तो यहां पर हम लिख देंगे 7. क्लियर है सबको,
ओके तो 39.9 ml पर 3.9 था पीएच और 40 ml पर पीएच हो गया 7. अर्षित का सॉल्ट हाइड्रोलिसिस नहीं पढ़ा क्या? सॉल्ट हाइड्रोलिसिस में कराया नहीं वाला पार्ट? Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव दोनों वीक आए हैं, उनका वाटर से रिएक्शन नहीं होता है. लेक्चर अटेंड नहीं किया था सॉल्ट हाइड्रोलिसिस वाला? फर्स्ट वाला सॉल्ट यही तो लिया था, सॉल्ट स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस का हाइड्रोलिसिस. नाउ अब नेक्स्ट वाले पर चलते हैं. तो हमारे पास ये 40 ml तक हमने कर लिया है, ठीक है, 40 ml तक ये वाला पार्ट आया. नाउ नेक्स्ट पर चलेंगे. वैष्णवी यस वी हैव टॉट कॉमन आयन इफेक्ट, याद है ये हमने सेकंड और थर्ड लेक्चर में ही पढ़ा दिया था. याद नहीं है कॉमन आयन इफेक्ट ऑफ एस पॉजिटिव एस नेगेटिव वगैरह पढ़ाया था ना, जब हम बात कर रहे थे स्ट्रॉन्ग एसिड का और स्ट्रॉन्ग बेस का पीएच निकालने का. वो कॉमन आयन इफेक्ट की वजह से रिएक्शन बैकवर्ड चली जाती थी. हाँ तो अब देखो नेक्स्ट हम लेते हैं यहां पर 40.1. तो 40.1 मतलब 40 ml पर क्या है? 40 ml पर ऑब्वियसली इक्विवेलेंट पॉइंट है. ओके 40 ml पर क्या है? इक्विवेलेंट पॉइंट. अब इक्विवेलेंट पॉइंट से एक ड्रॉप ज्यादा डालते हैं ओके और देखते हैं कि पीएच क्या है. मतलब हमें पता है कि इक्विवेलेंट पॉइंट से एक ड्रॉप कम पर पीएच क्या है? 3.9. इक्विवेलेंट पॉइंट से पर पीएच जो है वो 7 है. एंड इक्विवेलेंट पॉइंट से एक ड्रॉप ज्यादा डालेंगे मतलब जब 40.1 कर देंगे तो पीएच क्या होगा वो देखते हैं, ठीक है. तो नेक्स्ट हम लेते हैं यहाँ पर. तो डी में क्या आएगा? तो डी में हमारे पास है 40.1 ml ऑफ NaOH. अब क्या हुआ यहाँ पर? 40.1 ml of NaOH मतलब कितना मिलीमोल हो गया NaOH? 4.01 ना. तो HCl plus NaOH gives NaCl plus H2O. तो ये हमारे पास 4 मिलीमोल है, ये 4.01 मिलीमोल हो जाएगा, ठीक है. अब देखो अब कौन लिमिटिंग होगा? अब हमारे पास HCl लिमिटिंग हो जाएगा, है ना. तो इसका जीरो इसका बचेगा ऑब्वियसली 4.01 में से 4 गया मतलब कितना बचा? 0.01 ना. तो 0.01 बचेगा, इसका कितना आ जाएगा? इसका 4 हो जाएगा, इसका 4. तो अभी मिक्सचर में क्या है? अभी मिक्सचर में हमारे पास NaOH है, NaCl है एंड H2O है. ओके क्या है ये NaOH एंड NaCl का मिक्सचर क्या है? NaOH एंड NaCl का मिक्सचर क्या है? बफर है क्या? NaOH और NaCl मतलब बेस, स्ट्रॉन्ग बेस और उसका सॉल्ट. तो स्ट्रॉन्ग बेस और उसका सॉल्ट बफर नहीं होता ना, वीक बेस और उसका सॉल्ट बफर होता है, याद है. ओके लेकिन ये क्या है? स्ट्रॉन्ग बेस है तो ये इट इज नॉट बफर. तो यहां पर पीएच किसकी वजह से होगा? ऑब्वियसली NaOH की वजह से. तो NaOH क्या है? NaOH अपने पास स्ट्रॉन्ग बेस है. ओके सो स्ट्रॉन्ग बेस है उसकी वजह से पीएच निकालेंगे. तो पहले इसका कॉन्सेंट्रेशन देख लेते हैं यार, कॉन्सेंट्रेशन क्या है. तो NaOH का कॉन्सेंट्रेशन कितना हो गया यार? 0.01 इसका मिलीमोल से डिवाइड बाय वॉल्यूम कितना है? 80.1 है ना. तो ये हमारे पास NaOH का क्या आ गया? कॉन्सेंट्रेशन आ गया. नाउ व्हाट इज pH यार? तो पहले तो pOH निकालना पड़ेगा ना. तो pOH क्या होगा? pOH इज माइनस log 0.01 बाय 80.1, ये हो गया pOH. Then pH क्या होगा? pH is 14 minus this, minus minus हो गया plus 0.01 upon 80.1. तो कितना आ जाएगा ये? तो ये हो गया अपने पास pH कितना है? 14 plus log of 0.01 divided by 80.1, that is nothing but 14 minus log of
10 या अप्रोक्सीमेटली 8000। तो लॉग 8000 थोड़ी देर पहले हमने वैल्यू बता दी थी 3.9, तो कितना हो जाएगा 10.1 हो जाएगा। ओके तो 10.1 आ जाएगा अभी पीएच। ओके अच्छा अगर हम 41 ml लेंगे तो भी ऐसा ही होगा, 41 ml लेंगे तो भी NaH एक्सेस में रहेगा, तो 41 ml पर ये कितना हो जाएगा 4.1, ये 4 है तो 4 पूरा खत्म हो जाएगा, 4.1 में से कितना बचेगा 0.1 बचेगा। ओके तो 0.1 हमारे पास क्या बचेगा NaH बचेगा, तो फिर से वही केस आ गया, मतलब NaH की वजह से पीएच होगा, तो NaH का कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा इट इज 0.1 डिवाइड बाय वॉल्यूम कितना हो गया 81। तो लॉग के अंदर क्या आ जाएगा देखो, तो यहां पर हो जाएगा 14 प्लस लॉग 0.1 डिवाइड बाय 81, ये हो जाएगा दैट इज नथिंग बट 14 माइनस लॉग 810। तो 810 का अप्रोक्सीमेटली 800 ही ले लेते हैं, तो कितना आ जाएगा ये आ जाएगा 11.1। ओके देन अगर हमने यहाँ पर 50 ml लिया तो 50 ml लिया तो क्या होगा, तो 50 ml पर देखो ये क्या होगा 5 मिलीमोल, ये 4 मिलीमोल, तो 4 पूरा पूरा रिएक्ट कर जाएगा, 5 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा 1, तो 1 मिलीमोल बचा डिवाइड बाय वॉल्यूम कितना हो गया 90। ओके तो 1/90 कॉन्सेंट्रेशन हो गया, तो क्या जाएगा तो ये आ जाएगा 14 प्लस लॉग 1/90, हम बोल सकते हैं 14 माइनस लॉग 90, लॉग 90 कितना होता है 1.96 होता है ना, तो 14 माइनस 1.96 दैट इज 12.04। क्लियर है क्या? तो इस टाइप से हम यहां पर देखो टाइट्रेशन कर रहे हैं और हमारे पास क्या आ रहा है पीएच आ रहा है। क्लियर है सबको? तो अब हमें ये देखना है कि यार कौन सा इंडिकेटर हम यूज करें जिससे कि इक्विवेलेंट पॉइंट पर क्या हो जाए कलर चेंज हो जाए। ओके तो यार इक्विवेलेंट पॉइंट मतलब 40 ml पर कलर चेंज कौन सा कर रहा है? नहीं रिया वो मैं तुम्हें थोड़ी देर बाद ट्रिक बता दूंगा कि कैसे हमें देखना है, ये तो हम तुम्हें समझा के बता रहे हैं कि कौन सा इंडिकेटर कौन सी टाइट्रेशन में यूज करना चाहिए, बाकी मैं थोड़ी देर बाद तुम्हें ट्रिक बता दूंगा कि कौन सा इंडिकेटर कौन सी टाइट्रेशन में रहता है। ओके तो अच्छा नाउ यहाँ पर एक होती है पीएच रेंज ऑफ टाइट्रेशन। पीएच रेंज ऑफ टाइट्रेशन क्या होता है, तो एक ड्रॉप कम और एक ड्रॉप ज्यादा लेने पर जो पीएच आती है वो होता है पीएच रेंज ऑफ टाइट्रेशन। तो पीएच रेंज ऑफ टाइट्रेशन मतलब एक ड्रॉप कम लो किससे इक्विवेलेंट पॉइंट से और एक ड्रॉप ज्यादा लो, तो उनका जो रेंज है दैट इज पीएच रेंज ऑफ टाइट्रेशन। तो देखो हमारे पास 3.9 आया, एक ड्रॉप कम लेने पर क्या आया पीएच 3.9 और एक ड्रॉप ज्यादा लेने पर पीएच कितना आया 10.1। ओके तो इसका पीएच रेंज ऑफ टाइट्रेशन कितना हुआ 3.9 टू 10.1, 3.9 टू 10.1। ठीक है नाउ सुइटेबल इंडिकेटर क्या होता है, तो ऐसा है कि यार पीएच रेंज ऑफ इंडिकेटर, इंडिकेटर का पीएच रेंज बताया था ना हमने लास्ट लेक्चर में, तो पीएच रेंज ऑफ इंडिकेटर should lie within pH range of titration. तो जो pH range of titration है उसके बीच में क्या होना चाहिए pH range of indicator। तो यहां पर देखो इसको इस concept को जब हम use करते हैं तो both methyl orange एंड फिनोप्थलीन यूज किया जा सकता है। क्या था दोनों का पीएच रेंज,
बोथ मिथाइल ऑरेंज एंड फिनोप्लीन कैन बी यूज. क्या था दोनों का? मिथाइल ऑरेंज का पीएस रेंज क्या था? फिनोप्लीन का था 8 to 10. फिनोप्लीन का क्या था? 8 to 10 था. और मिथाइल ऑरेंज का क्या था? मिथाइल ऑरेंज का था 3.1 to 4.4. ठीक है, तो दोनों यूज कर सकते हैं यहां पर. तो अब देखो, अब इसको मैं तुम्हें एक मतलब ये तो मैंने एक कॉन्सेप्ट बताया कि ऐसे इनके बीच में यूज करना चाहिए. अब देखो हम तुम्हें बता देते हैं कि यार मिथाइल ऑरेंज में कलर कहाँ से कहाँ जा रहा है और फिनोप्लीन में कहाँ जा रहा है. तो देखो मिथाइल ऑरेंज में क्या है, 3.1 to 4.4 है ना पीएच रेंज. मतलब अगर 3.1 से कम पीएच होता है, अगर 3.1 से कम पीएच होता है तो कौन सा कलर होता था? 3.1 से कम पीएच होता था तो कौन सा कलर होता था? याद है, रेड होता था ना शायद. और 4.4 से ज्यादा होता था तो येलो है ना. तो देखो अब देखो 39.9 पर क्या है पीएच? 39.9 पर पीएच क्या है? 3.9 है ना. 40 पर पीएच क्या है? 7. 40.1 पर पीएच क्या है? 10.1. तो अब देखो फिनोप्लीन जो है वो क्या कलर देगा यार? देखो जब यहां पर यहां तक देखेंगे तो हमारे पास देखो 3.1 से कम पीएच होता है ना, तो दूसरा है मतलब उसके लिए ऊपर वाला भी ले लो. चलो ये हमारे पास है 39 पर कितना था? 2.9. ठीक है, हाँ. तो फिनोप्लीन जो है, पहले मिथाइल ऑरेंज ले लेते, तो मिथाइल ऑरेंज जो है वो 2.9 पर क्या देता है कलर? मिथाइल ऑरेंज का कलर अगर हम देखेंगे तो 2.9 पर क्या है? रेड है. 3.9 पर एक्चुअली डिपेंड करेगा क्योंकि 3.9 इन दोनों के बीच का है तो वो कलर थोड़ा इधर उधर हो सकता है. चलो उसको हम नहीं लिखते. बट 7 पर क्या होगा कलर बताओ? मिथाइल ऑरेंज अगर हम यूज करते हैं तो 7 पर कलर क्या होगा? ऑब्वियसली 7 ग्रेटर देन 4.4 है ना. 3.9 से कम पीएच होता था तो कलर कैसा होता था? रेड. 4.4 से ज्यादा पीएच है तो कलर कैसा होता है? येलो होता है ना. ओके तो देखो यहां पर कलर चेंज कर रहा है कि नहीं कर रहा है. और 10.1 पर भी ऑब्वियसली येलो होगा. तो मिथाइल ऑरेंज ने कलर चेंज किया कि नहीं किया 40 पर? किया ना. तो ऑब्वियसली मिथाइल ऑरेंज जो है सुटेबल इंडिकेटर हुआ कि नहीं हुआ. ओके अब फिनोप्लीन देख लेते हैं. यस सर, मिथाइल रेड भी यूज कर सकते हैं. तो एक्चुअली मेनली ये दो इंडिकेटर यूज किए जाते हैं, दैट्स व्हाई हमने ये दो लिए. अदरवाइज इन दोनों टाइट्रेशन में ऑलमोस्ट सारे इंडिकेटर यूज किया जा सकता. मतलब ये जो हमने टाइट्रेशन किया है इसमें ऑलमोस्ट सारे इंडिकेटर यूज किए जा सकते हैं. ठीक है, बट मेनली लैब में हम यही दो इंडिकेटर की बात करते हैं. नाउ अब देखो फिनोप्लीन के साथ देखते हैं. फिनोप्लीन में क्या, अगर 8 से कम पीएच होता है तो कलर क्या होता है? 8 से कम पीएच होता है तो कलर क्या होता है? कलरलेस होता है ना. तो देखो कलरलेस एंड इधर भी कलरलेस. ठीक है, और इधर देखो 10.1 से ज्यादा पीएच होगा तो यहां पर कैसा कलर आ गया? पिंक या रेड. तो कौन सी रीडिंग नोट करेंगे? अगर हमने फिनोप्लीन यूज किया तो कौन सा रीडिंग नोट करेंगे? 40.1 वाला रीडिंग नोट होगा ना. अगर हमने मिथाइल ऑरेंज यूज किया तो ऑब्वियसली 40 ml वाला रीडिंग नोट कर लेंगे क्योंकि 40 ml पर कलर चेंज हुआ. लेकिन अगर हमने फिनोप्लीन यूज कर लिया तो हम कौन सा वाला रीडिंग नोट करेंगे? 40.1 वाला यूज करेंगे क्योंकि 40.1 पर कलर चेंज हो रहा है. तो मोर अप्रोप्रिएट इंडिकेटर इसमें मिथाइल ऑरेंज है. फिनोप्लीन इसमें भी ठीक है, चलेगा क्योंकि एक ड्रॉप का एरर आ रहा है ना. एक ड्रॉप ज्यादा आ रही है ना यहाँ पर, एक ड्रॉप का एरर आ रहा है अगर हम फिनोप्लीन लेंगे तो.
लेकिन फिर भी प्रोप्टिलिन को भी सूटेबल इंडिकेटरी मान लेते हैं, क्योंकि एक ड्रॉप से कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। और तुमने देखो अगर ये टाइट्रेशन किया है लैब में, तो हम जस्ट एक रीडिंग नहीं लेते हैं, हम दो तीन रीडिंग लेते हैं, और सारी रीडिंग जो है जरूरी नहीं सेम आए, इधर उधर आती है, याद है ना, एक दो ड्रॉप इधर उधर आ जाती है। अगर हमारे पास रीडिंग मैच, दो रीडिंग मैच कर रही होती है तो उसको ले लेते हैं, अगर एक भी रीडिंग मैच नहीं कर रही होते तो एवरेज ले लेते हैं, ऐसा कुछ करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मोर सुटेबल इंडिकेटर कौन सा हुआ, फिनोक्सिलिन हुआ या मिथाइल ऑरेंज हुआ? मोर सुटेबल इंडिकेटर मिथाइल ऑरेंज हुआ, क्योंकि वो 7 पर या 40 ml पर क्या कर रहा है, कलर चेंज कर रहा है, लेकिन फिनोक्सिलिन जो है 40.1 पर कलर चेंज कर रहा है। ठीक है, बट स्टिल उसको भी हम ले सकते हैं। तो इस टाइट्रेशन में दोनों इंडिकेटर यूज किए जा सकते हैं, मिथाइल ऑरेंज एंड फिनोक्सिलिन, बट मोर सुटेबल इंडिकेटर इज मिथाइल ऑरेंज। ठीक है, तो इस टाइप से हम यहाँ पर टाइट्रेशन की बात करेंगे। थोड़ी देर बाद में तुम्हें ट्रिक भी बता दूंगा कि कौन सी टाइट्रेशन में कौन सा इंडिकेटर यूज किया जाना चाहिए। ठीक है, देख लिया सबने? यस रामनी, एट इक्विवेलेंट पॉइंट पर जो कलर चेंज करेगा वही सुटेबल इंडिकेटर होगा। एट इक्विवेलेंट पॉइंट कौन सा इंडिकेटर कलर चेंज करता है वही हमारे पास क्या सुटेबल इंडिकेटर। तो मिथाइल ऑरेंज जो है वो 40 ml पर कलर चेंज करता है, एंड फिनोक्सिलिन जो है वो 40.1 पर करता है, तो मोर सुटेबल इंडिकेटर इज ऑब्वियसली मिथाइल ऑरेंज। चले आगे, एक्चुअली साक्षी 39.9 ml पर 3.9 आ रहा है ना, तो 3.9 पर मिथाइल ऑरेंज जो है उसका कलर हम बता नहीं पाएंगे, क्यों? क्योंकि हमें 3.1 से कम जब पीएस है तो उसका कलर पता है, 4.4 से ज्यादा पीएस है तो उसका कलर पता है, दोनों के बीच में मिक्स कलर आता है, 3.1 और 4.4 के बीच में जो है मिक्स कलर आता है, मतलब रेड और येलो का मिक्स आता है। तो रेड और येलो का मिक्स कैसा आएगा, रेड और येलो के मिक्स से क्या बनेगा, तो वो हमें यहां पर मिलेगा, इसलिए हमने वहां पर कुछ लिखा ही नहीं। ऑरेंज होता है क्या रेड और येलो का, पता नहीं। ठीक है, तो ऑब्वियसली फिर ऑरेंज कलर मिलेगा यहाँ पर। ठीक है, अगर ये रेड और येलो का मिक्स ऑरेंज होता है तो यहाँ पर ऑरेंज कलर मिलता है। तो रेड टू येलो और फिर ऑरेंज, सॉरी रेड टू ऑरेंज एंड देन येलो होगा, तो हमें जब येलो होगा तो वो वाला रीडिंग नोट कर लेंगे। गया सबका? अब देखो यहाँ पर एक ग्राफ भी बना लेते हैं। तो ग्राफ जो है वो क्या है, इट इज पीएच वर्सेस वॉल्यूम ऑफ एंड एओएच। तो यार वॉल्यूम ऑफ एंड एओएच जब हम ऐड कर रहे हैं तो पीएच देखो कैसे चेंज हो रहा है, पीएच 0 पर कितना 1 है, देन 1.22, देन 1.48, धीरे धीरे बढ़ रहा है ना, लेकिन जब इक्विवेलेंट पॉइंट के पास में गए तो देखो 3.9 से 7 हुआ एक ड्रॉप में, और फिर 7 से 10.1 हो गया, हुआ कि नहीं हुआ? तो स्टार्टिंग में धीरे धीरे जा रहा है, मतलब 1 से स्टार्ट हुआ और धीरे 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 जा रहा है, ऐसे धीरे धीरे बढ़ रहा है, और एकदम से बहुत बड़ा जंप आया। ओके, तो काफी बड़ा जंप आता है इस टाइप से। ठीक है, बिग जंप नियर या बिग जंप एट इक्विवेलेंट पॉइंट। तो पीएच वर्सेज वॉल्यूम ऑफ एनएच जब ग्राफ बनाते हैं तो हमारे पास ऐसा आता है, जब हमने देखो यहाँ पर देख सकते हैं ना कि 39 पर 2.9 था, लेकिन 39.9 पर देखो 3.9 हो गया,
फिर 40/7 हो गया एंड 40.1 पर कितना हो गया 10.1 हो गया। ओके तो काफी बड़ा जंप आ रहा है हमारे पास एकदम से। देखो 3.9 से कहां पर चला गया, वो 3.9 से एकदम से कहां पर चला गया है 10.1 पर चला गया। ओके तो बहुत बड़ा जंप हमें मिल रहा है। तो HCl वर्सेज NaOH हम बोल सकते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड वर्सेज स्ट्रॉन्ग बेस के केस में एट इक्विवेलेंट पॉइंट काफी बड़ा जंप हमें मिलेगा ग्राफ, या पीएच में काफी बड़ा जंप आता है एट इक्विवेलेंट पॉइंट नियर इक्विवेलेंट, क्योंकि एकदम से पहले क्या था इक्विवेलेंट पॉइंट से पहले क्या था स्ट्रॉन्ग बेस जो है लिमिटिंग था, मतलब हम बोल सकते हैं कि स्ट्रॉन्ग एसिड एक्सेस में था और इक्विवेलेंट पॉइंट के बाद में स्ट्रॉन्ग बेस एक्सेस में, तो एकदम से स्ट्रॉन्ग एसिड से स्ट्रॉन्ग बेस सॉल्यूशन हो रहा है। तो स्ट्रॉन्ग एसिड का पीएच जो है काफी कम रहता है, स्ट्रॉन्ग बेस का पीएच काफी ज्यादा रहता है, दैट्स व्हाई काफी बड़ा जंप हमें देखने को मिलता है। ओके सो ये हमारे पास फर्स्ट टाइट्रेशन थी। नाउ नेक्स्ट टाइट्रेशन जो है हम ले रहे हैं वीक एसिड वर्सेज स्ट्रॉन्ग बेस। ट्रिक बताएंगे हम बाद में, इस टाइट्रेशन के बाद में ट्रिक बताएंगे। तो वीक एसिड वर्सेज स्ट्रॉन्ग बेस HCl की बजाय हम यहां पर ले रहे हैं अभी CH3COOH। CH3COOH का pKa पता है कितना होता है 4.74 होता है। तो फिर से तुम्हें वही सेम चीज करना है, तो 0 ml और 10 ml पर बताओ कितना pH होगा। 0 ml और 10 ml पर pH निकाल के बताओ। सेम चीज फिर से करनी है, 0 ml और 10 ml पर pH निकालो। स्क्रीन फ्रॉज नहीं हुआ है भाई, हम टाइट्रेशन करने को बोल रहे हैं। 0 ml ऑफ NaOH और 10 ml ऑफ NaOH ले रहे हैं तो pH क्या होगा। टाइट्रेशन अभी है CH3COOH वर्सेज NaOH।
आया किसी का? राउंड रॉन्ग है तुम्हारा, किसी और का आया? हाँ तन्मय, नहीं रॉन्ग है, थोड़ा सा डिफरेंट है तन्मय। नहीं मिताली, देखो करा देते हैं ना, 0 ml of NaOH मतलब हमारे पास क्या है, 0 ml of NH मतलब हमारे पास ऑब्वियसली NaOH है नहीं, तो हमारे पास है, हमारे पास है 0.1 molar या 0.1 molar CH3COH, और पहले था 0.1 molar HCl, अभी है 0.1 molar CH3COH। अगर 0.1 molar HCl होता है तो ऑब्वियसली स्ट्रॉन्ग एसिड है तो पीएच निकाल सकते हैं, यहाँ पर वीक एसिड है तो वीक एसिड का भी पीएच तो निकाल ही सकते हैं ना, बट फॉर्मूला होता था इसके लिए, याद है फॉर्मूला था वीक एसिड का हाफ pKa माइनस हाफ log C। तो जैसा मैंने पहले ही बताया कि यार आज हम जो टाइट्रेशन कराए इसमें अब तक जो हमने पढ़ा है सब यूज हो जाएगा, तो ये देखो वीक एसिड वाला फॉर्मूला यूज हो रहा है, ओके हाफ pKa माइनस हाफ log C, क्योंकि हमारे पास जस्ट वीक एसिड है तो वीक एसिड का pH इज हाफ pKa मतलब ये आ गया माइनस हाफ log C, log C मतलब 0.1, तो ये हमारे पास हो गया 2.37 एंड दिस इज 0.1 आगे आया तो 0.5 मींस 2.87 क्लियर आ गया। तो जब हम 0 ml of NaOH ले रहे हैं मतलब NaOH लिया ही नहीं है, तो जस्ट हमारे पास क्या है CH3COH है, और CH3COH का ऑब्वियसली पीएच ऐसे निकाल सकते हैं, ओके तो कितना आएगा पीएच 2.87 आएगा, ओके तो हमारे पास आ गया 2.87। नाउ 10 ml पर क्या होगा यार, 10 ml पर ऑब्वियसली एसिड और बेस दोनों आ गए तो दोनों का रिएक्शन होगा, तो CH3COH प्लस NaOH विल गिव CH3COONa प्लस H2O। Now, CH3COH कितना है, CH3COH देखो 40 ml और 0.1 molar मतलब 4 millimol, और NaOH कितना ले लिया अभी हमने 10 ml ले लिया ना, तो 10 ml और 0.1 molar मतलब 1 millimol, तो इसके 4 millimol इसके 1 millimol इन दोनों के 0-0 which is limiting NaOH, NaOH पूरा खत्म हो गया, CH3COH कितना बचेगा 4 में से 1 गया कितना बचा 3 CH3CONa1H2O1। तो ये कुछ बफर सॉल्यूशन दिख रहा है क्या तुम्हें, बफर सॉल्यूशन है क्या ये CH3COH एंड CH3CONa का मिक्सचर, क्या ये बफर सॉल्यूशन है? यस इट इज बफर सॉल्यूशन, इट इज वीक एसिड एंड उसका सॉल्ट निसर, इट इज नॉट सॉल्ट हाइड्रोलिसिस भाई, सॉल्ट हाइड्रोलिसिस में जस्ट सॉल्ट एंड वाटर होते हैं, तो इट इज एसिडिक बफर, क्यों? बिकॉज इट इज मिक्सचर ऑफ वीक एसिड और उसका सॉल्ट, ठीक है, तो ये वीक एसिड और उसका सॉल्ट है तो ये क्या हो गया एसिडिक बफर हो गया, ओके तो एसिडिक बफर का फॉर्मूला लगा देंगे पीएच के लिए, तो क्या था भाई पीएच का फॉर्मूला, पीएच था पी के मतलब 4.74 प्लस लॉग ऑफ सॉल्ट और एसिड है सी, सो लॉग के अंदर क्या आ जाएगा 1/3, तो 1/3 मतलब 4.74 माइनस लॉग 3 माइनस लॉग 3 मतलब माइनस 0.48, तो कितना है ये, कितना हो गया
4.22 आ गया, 4.26 ओके, तो पीएच कितना आ गया, 4.26 आ गया, क्लियर है। अच्छा अब ये सेम चीज होती रहेगी जब तक हमारे पास एनओएच लिमिटिंग रहेगा, है कि नहीं, जब तक एनएओएच लिमिटिंग रहेगा यही होता रहेगा ना, क्योंकि एनएच खत्म हो जाएगा, CH3COOH एंड CH3COOH हमारे पास मिक्सचर में रहेगा, एंड वो क्या है, वो एसिडिक बफर है, है कि नहीं। तो नेक्स्ट वाले में क्या आ जाएगा यार, नेक्स्ट वन क्या ले रहे हैं, नेक्स्ट वन ले रहे हैं 20 मिलीलीटर, 20 ml जब लेंगे तो एनएच का कितना मिलीमोल हो गया, 2 मिलीमोल हुआ ना, ठीक है, तो ये 2 मिलीमोल हुआ, ये 4 है, तो 4 में से 2 गया तो कितना बचा, 2 बचा ना, तो 2 ये रहेगा, 2 ये रहेगा, दोनों 2-2 होंगे, तो लॉग के अंदर क्या जाएगा, बना जाएगा ना, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, 4.74 प्लस लॉग ऑफ 2/2 एंड 2/2 इज 1, तो लॉग 1 इज 0, तो पीएच क्या आ गया, 4.74 आ गया। अगर हम 30 ml ले लेंगे तो, 30 ml लेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 3 मिलीमोल हो जाएगा, ये 4 है ये 3 है, तो कितना बचेगा, ये 1 बचेगा और ये 3 हो जाएगा, ओके, तो सॉल्ट बाय एसिड कितना आ जाएगा, 3/1 आ जाएगा, तो 4.74 प्लस लॉग 3/1 दैट इज 4.74 प्लस 0.48, तो ये कितना आ जाएगा, दिस इज 5.22। अगर हम 39 लेंगे तो कितना हो गया, 39 लिया तो ये हो गया 3.9 मिलीमोल, कितना हो जाएगा, 3.9 मिलीमोल हो जाएगा, तो 3.9 ये हो गया और कितना बचेगा अभी, ऑब्वियसली 4 में से 3.9 गया तो कितना बचा, 0.1 बचा ना, तो 0.1 बचेगा, ये 3.9 हो जाएगा, तो लॉग के अंदर क्या आएगा, 3.9/0.1, ठीक है, 3.9/0.1 दैट इज लॉग 39 है ना, सो 4.74 प्लस लॉग 39, लॉग 39 को अप्रोक्सीमेटली लॉग 40 ले सकते हैं, तो लॉग 40 कितना होता है, इट इज 1.6, ओके, सो कितना आ जाएगा, आई थिंक आ जाएगा 6.34, ओके, नाउ 39.9 ml पर क्या होगा, 39.9 ml पर कितना हो गया, ये 3.99 मिलीमोल हुआ ना, सो 3.99 ये पूरा खत्म हो गया, ये 4 में से 3.99 गया तो कितना बचा, 0.01 और ये 3.99, तो लॉग के अंदर क्या आएगा, 3.99/0.01, तो 4.74 प्लस लॉग के अंदर हो गया 3.99/0.01, कितना आ गया, ये आ गया 4.74 प्लस लॉग 399 को ऑब्वियसली लॉग 400 भी ले सकते हैं, तो ये आ जाएगा अपने पास 7.34, ओके। अब देखो नेक्स्ट वाले में क्या है यार, नेक्स्ट वाले में हमारे पास दोनों के मिलीमोल सेम हो गए, या ऑब्वियसली वो इक्विवेलेंट पॉइंट, तो अब हम यहां पर थोड़ा अलग करेंगे क्योंकि अभी यहां पर बफर सॉल्यूशन नहीं आएगा, तो अभी क्या होगा, तो अभी देखो CH3COOH एंड NaCl ने, सॉरी NaOH ने रिएक्शन किया तो क्या बनाया, CH3
CON. अब दोनों के 4-4 मिलीमोल है, दोनों रिएक्ट कर गए, तो CH3CON ने H2O का कितना बन गया, 4-4 बन गया. तो अभी क्या है, अभी हमारे पास सॉल्ट एंड वाटर है. तो ये सॉल्ट और वाटर के केस में हम क्या देखते हैं, जब सॉल्ट और वाटर होता है तो हम सॉल्ट हाइड्रोलिसिस देखते हैं. तो क्या इधर सॉल्ट हाइड्रोलिसिस हो सकता है क्या? CH3CON का सॉल्ट हाइड्रोलिसिस होता था ना, और Na पॉजिटिव का नहीं होता था, किसका होता था? CH3CO नेगेटिव का होता है. और नेगेटिव आयन का जब हाइड्रोलिसिस होता है तो बेसिक सॉल्यूशन आता है, मतलब पीएच ग्रेटर देन 7 आता है. ओके, तो यहाँ पर फॉर्मूला क्या था, याद आया कुछ? सॉल्ट हाइड्रोलिसिस वाला केस हो गया ये, और सॉल्ट हाइड्रोलिसिस किसका है? CH3CO नेगेटिव का. तो पीएच का फॉर्मूला था 7 + 1/2 pKa + 1/2 log C. तो दैट इज 7 + 1/2 4.74 + 1/2 log C. सी सी क्या है यार, इज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ दिस. तो कॉन्सेंट्रेशन कितना हो गया, 4/टोटल वॉल्यूम 80. ओके, सो दिस इज कॉन्सेंट्रेशन, तो 4/80, तो कितना आ गया ये, दिस इज 7 + 2.37 एंड प्लस कितना आ गया ये, नॉट प्लस एक्चुअली माइनस हो जाएगा, तो -1/2 log 20 कितना हो गया, 20 हुआ ना. सो लॉग 20 कितना होता है, इट इज 1.3, तो 1.3/2, तो कितना आएगा 0.65, मतलब 9.37 माइनस 0.65 कितना आ गया, 8.72 आया. देख लो एक बार, बराबर है क्या? बराबर है, ठीक है. सो 8.72 पीएच आ जाएगा. ओके, पीएच कितना आ गया अभी, 8.72 आ गया. ओके, सो 40 ml या इक्विवेलेंट पॉइंट पर हम क्या देख रहे हैं, सॉल्ट हाइड्रोलिसिस चेक करें, सॉल्ट हाइड्रोलिसिस है या नहीं. ओके, तो ऑब्वियसली यहां पर सॉल्ट हाइड्रोलिसिस हो रहा है. अच्छा, नाउ आगे चलते हैं. तो अब इसके बाद नेक्स्ट क्या है हमारे पास, नेक्स्ट है हमारे पास ये वाला 40.1. तो 40.1 पर क्या होगा भाई, तो 40.1 पर ऑब्वियसली फिर से रिएक्शन होगी. तो CH3COOH एंड इससे बन गया CH3COON. अब देखो 40.1 पर कितने मिलीमोल्स हो गए इसके, इसके आगे 4.01 मिलीमोल, ठीक है, एंड ये 4 मिलीमोल. तो लिमिटिंग कौन हुआ, CH3COOH. तो CH3COOH पूरा खत्म हो गया, इसका 0.01 बचेगा और ये 4 बन जाएगा, ये 4 बन जाएगा. तो अब यहां पर क्या है, यहां पर NaOH एंड CH3CONa का मिक्सचर है, एक तो स्ट्रॉन्ग बेस है और एक वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस वाला सॉल्ट है. क्या ये बफर सॉल्यूशन है क्या, NaOH एंड CH3CONa का मिक्सचर क्या बफर सॉल्यूशन है? नहीं, यहां पर क्या है बेसिकली सॉल्ट और स्ट्रॉन्ग बेस का सॉल्यूशन है. तो सॉल्ट है और स्ट्रॉन्ग बेस है, तो ऑब्वियसली स्ट्रॉन्ग बेस डोमिनेट करेगा. तो पीएच जो आएगा वो आएगा ओनली ड्यू टू स्ट्रॉन्ग बेस, मतलब NaOH, ठीक है. तो अगर सॉल्यूशन में हमारे पास स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस है, अगर रिजल्टेंट सॉल्यूशन में स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस है तो पीएच उन्हीं की वजह से आता है. ओके, हमारे पास रिजल्टेंट सॉल्यूशन में यहां पर क्या है, NaOH, दैट इज स्ट्रॉन्ग बेस, तो उसी की वजह से पीएच आएगा. तो ऑब्वियसली वही कर रहे हैं हम. तो देखो ये इसका कॉन्सेंट्रेशन हो गया, कॉन्सेंट्रेशन से ऑब्वियसली हमने पीओएच निकाल लिया, पीओएच से पीएच निकाल लिया, ठीक है. तो आगे वाले रीडिंग जो है सेम ही, आगे वाले जितने भी पीएच हैं वो सेम आएंगे, बिकॉज हर केस में क्या है एनएएस लिमिटिंग है, और लास्ट वाले टाइट्रेशन में भी क्या था, सॉरी हर केस में एनएएस किस में, एक्सेस में है,
और लास्ट वाले टाइट्रेशन में भी एनएस किसमें था, एक्सेस में था, ठीक है। दैट्स वाई आगे वाली जो वैल्यूज है वो सेम बिलो 10.1, 11.1, 12.04। ठीक है, तो अभी हमारे पास क्या आया पीएच, जो लास्ट टाइम आया था वही पीएच आया। क्यों? क्योंकि सॉल्यूशन में क्या है, NaOH एंड CH3CONa, दैट इज स्ट्रॉन्ग बेस एंड सॉल्ट का मिक्सचर। तो स्ट्रॉन्ग बेस एंड सॉल्ट के मिक्सचर में ऑब्वियसली जो पीएच है वो किसकी वजह से होगा, स्ट्रॉन्ग बेस की वजह से, ठीक है। तो आगे जो पीएच वाली वैल्यूज है वो सेम वही आएंगी जो लास्ट हाइड्रेशन में आ रही। लिख लिया सबने? तो यहां पर पीएच रेंज ऑफ टाइट्रेशन क्या है भाई, इसमें पीएच रेंज ऑफ टाइट्रेशन क्या है, पीएच रेंज ऑफ टाइट्रेशन कौन है, सॉरी क्या है पीएच रेंज ऑफ टाइट्रेशन, देखो 39.9 पर है 7.34 और 40.1 पर क्या है 10.1, तो 7.34 से 10.1, तो कौन सा वाला इंडिकेटर यूज करना चाहिए बताओ, कौन सा वाला इंडिकेटर यूज करें यार। अब देखो मिथाइल ऑरेंज जो है वो यूज नहीं किया जाता, मिथाइल ऑरेंज यूज करेंगे तो गड़बड़ हो जाएगी ना, क्योंकि मिथाइल ऑरेंज कहां पर दे देगा कलर चेंज, देखो मिथाइल ऑरेंज अगर हमने यूज किया तो कहां पर कलर चेंज दे देगा, इधर ही दे देगा ना, देखो इधर ही कलर चेंज कर देगा मिथाइल ऑरेंज, तो 20 ml पर ही कलर चेंज कर देगा क्योंकि 4.74 हो जाएगा ना, तो 4.74 इज ग्रेटर देन 4.5 सॉरी 4. है ना, तो मिथाइल ऑरेंज जो है वो इधर ऑब्वियसली रेड रहेगा, इधर मोस्टली वो ऑरेंज रहेगा या येलो रहेगा और इधर भी येलो रहेगा, ठीक है। तो अगर हमने मिथाइल ऑरेंज यूज किया तो रीडिंग हमें 10 या 20 जैसे कोई मिल जाएगा, तो वो तो गड़बड़ हो जाएगा। कलर चेंज कहां पर होना चाहिए, कलर चेंज होना चाहिए इक्विवेलेंट पॉइंट पर, ठीक है। तो फिनोप्लिन अगर हम यहां पर लेते हैं, ठीक है, फिनोप्लिन यूज किया जाएगा, तो फिनोप्लिन यूज किया जाएगा वहां पर देखो क्या आएगा, तो अगर हम 39.9 ml देखें या 39 देखें, 39 पर कितना था पीएच, 39 पर था पीएच 6.34, तो इधर 6.34 है, 39.9 पर 7.34, 40 ml पर कितना है 8.72 एंड 40.1 पर क्या है 10.1। तो देखो अगर 6.34 है तो कैसा होगा, कलरलेस, नॉपिंग यूज कर रहे हैं तो कलरलेस, 7.34 भी कलरलेस, 8.72 क्या आएगा, ऑब्वियसली 8 और 10 के बीच में आ गया, तो 8 और 10 के बीच में क्या है कलरलेस एंड पिंक का मिक्सचर, तो ऑब्वियसली ये क्या आ जाएगा, पिंक ही आ जाएगा ना, पिंक या रेड, है ना, क्योंकि कलरलेस और रेड का मिक्सचर या पिंक का मिक्सचर, ओके। और 10.2 पर भी ऑब्वियसली यही होगा, तो रीडिंग नोट क्या करेंगे बताओ, रीडिंग नोट ऑब्वियसली हम क्या कर लेंगे 40 ml कर लेंगे, क्लियर है क्या। तो इस टाइट्रेशन में क्या यूज किया जाएगा, फिनोप्लिन यूज किया जाएगा, रिया एक्चुअली 8 और 10 के बीच में क्या होगा, कलरलेस और पिंक का मिक्सचर होगा ना, 8 और 10 के बीच में कलरलेस और पिंक का मिक्सचर, तो कलरलेस और पिंक का मिक्सचर तो पिंक ही रहेगा ना,
ओके तो इस टाइट्रेशन हम क्या यूज कर लेंगे, तो आप प्लेन यूज कर लेंगे। तो यहां पर अगर हम ग्राफ बनाएंगे तो भाई ग्राफ कैसा आएगा, तो देखो पहले पीएस देख लेते कैसे चेंज हो रहा है। लास्ट टाइम तो पीएस बहुत कम वैल्यू से चेंज हो रहा था ना, 1.22 1.48, तो बहुत स्लो चेंज हो रहा था, लेकिन यहां पर देखो स्लो चेंज नहीं है, 2.87 4.26 4.74 हो गया, 5.22 हो गया, 6.34 हो गया, 7.34 हो गया, 8.72 हो गया, देन ऑब्वियसली 10.1 हो गया, ठीक है। तो पीएच जो है यहां पर अगर हम देखेंगे तो लास्ट टाइम की तरह चेंज नहीं हुआ, थोड़ा डिफरेंट चेंज हुआ है। ओके तो लास्ट टाइम बिग जंप आ रहा था, यहां पर क्या है पहले देखो, पहले 1 से स्टार्ट हुआ था, लेकिन अभी 1 से स्टार्ट हो गया, थोड़ा ऊपर से स्टार्ट, ठीक है। तो ऐसे ऐसे और थोड़ा जंप आएगा, बड़ा जंप नहीं आएगा, ठीक है। तो स्मॉल जंप एट इक्विवेलेंट पॉइंट, तो यहां पर बड़ा जंप नहीं आएगा, यहां पर क्या आएगा स्मॉल जंप ही आएगा, क्योंकि पी जो है वो 8.72 या मैं बोल सकता 7.34 से 10.1 जा रहा है, ठीक है। तो 7.34 से 10.1 गया, तो उतना बड़ा जंप नहीं आएगा। तो यहाँ पर पहले क्या था, पहले हमारे पास ऑब्वियसली इक्विवेलेंट पॉइंट से पहले एसिडिक बफर था, और एसिडिक बफर को कुछ लोगों को एक बहुत कंफ्यूजन रह रहा है यार, कि कुछ लोग क्या बोलते हैं कि एसिडिक बफर मतलब उसका पीएच लेस देन 7 होगा। एसिडिक बफर इसलिए नहीं बोलते कि पीएच लेस देन 7 है, एसिडिक बफर इसलिए बोलते हैं क्योंकि वो वीक एसिड और सॉल्ट का मिक्सचर है। एसिडिक बफर इज मिक्सचर ऑफ वीक एसिड एंड उसका सॉल्ट, उसका पीएच जरूरी नहीं है 7 से कम हो। जैसे तुम देख सकते हो जब हम 39.9 ml ले रहे हैं, 39.9 ml ले रहे हैं तब भी एसिडिक बफर आ रहा है, बट पीएच देखो 7 से ऊपर चला गया है। ओके सो एसिडिक बफर का पीएच कैन बी ग्रेटर देन 7। काफी लोगों को एक मिसकंसेप्शन होता है कि एसिडिक बफर मतलब पीएच लेस देन 7, जनरली लेस देन 7 होगा जनरली, बट जरूरी नहीं है कि पीएच लेस देन 7 ही रहे, क्योंकि 39.9 ml पर देखो पीएच क्या 7 से ऊपर चला गया है। ओके तो एसिडिक बफर का पीएच भी ग्रेटर देन 7 आ सकता है। ओके तो यहां पर क्या है, बिफोर इक्विवेलेंट पॉइंट एसिडिक बफर है, और आफ्टर इक्विवेलेंट पॉइंट ये क्या है स्ट्रॉन्ग बेस है मिक्सचर। ओके तो इसकी वजह से हमारे पास छोटा सा जंप आ रहा है, बड़ा जंप नहीं आ रहा। ओके तो अब मैं तुम्हें वो ट्रिक बताता हूँ जो बोल रहे थे कि तुम्हें मतलब ये कैलकुलेशन वगैरह नहीं करना, बट ऑब्वियसली ये इंपॉर्टेंट क्यों था कैलकुलेशन वगैरह, क्योंकि तुमने अभी तक जो पढ़ा है वो कॉन्सेप्ट क्लियर इससे बहुत अच्छे से हो जाता है, दैट्स वाई हमने ये वाला कैलकुलेशन वगैरह किया है। अभी तक जो हमने पढ़ा है वो क्लियर हुआ ही नहीं, वो काफी हद तक इससे बताओ, ये जो हमने टाइट्रेशन की है इसको यूज करके कुछ क्लियर हुआ ही नहीं अभी तक हमने जो पढ़ा हो, कब हमारे पास बफर सॉल्यूशन आ रहा है, कब सॉल्ट हाइड्रोलिसिस हो रहा है, वो काफी हद तक यहाँ पर तुम्हें पता चल जाता है। ओके तो अगर वीक एसिड और उसका सॉल्ट है तो एसिडिक बफर, अगर स्ट्रॉन्ग वाला कोई भी है तो ऑब्वियसली फिर बफर नहीं होगा, वो स्ट्रॉन्ग वाले की वजह से ही पीएच आएगा, चाहे हमारे पास सॉल्यूशन में स्ट्रॉन्ग एसिड हो या स्ट्रॉन्ग बेस हो तो पीएच उन्हीं की वजह से आएगा, ठीक है। और अगर वीक बेस और उसका सॉल्ट है तो बेसिक बफर, इसके अलावा अगर हमारे पास जस्ट सॉल्ट एंड वाटर है देन सॉल्ट हाइड्रोलिसिस, समझाया। तो ये दो तीन चीजें तुम्हें देखती है, रिजल्टेंट सॉल्यूशन में तुम्हारे पास क्या है, रिजल्टेंट सॉल्यूशन में अगर स्ट्रॉन्ग एसिड है तो पीएच बिकॉज ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड आएगा, रिजल्टेंट सॉल्यूशन में अगर स्ट्रॉन्ग बेस है तो पीएच बिकॉज ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस आएगा, रिजल्टेंट सॉल्यूशन में अगर वीक एसिड और उसका सॉल्ट है तो एसिडिक बफर, अगर रिजल्टेंट सॉल्यूशन में वीक बेस और उसका सॉल्ट है तो बेसिक बफर, अगर रिजल्टेंट सॉल्यूशन में सॉल्ट एंड वाटर है देन सॉल्ट हाइड्रोलिसिस। क्लियर है सबको? तो अब हम आगे यहां पर तुम्हें बताते हैं कि कब कौन सा इंडिकेटर यूज करना चाहिए, ठीक है। तो देखो स्ट्रॉन्ग
क्या है, जब तुम टाइट्रेशन कर रहे हो तो उस टाइट्रेशन में ये देखो कि स्ट्रॉन्ग क्या है, तो जो स्ट्रॉन्ग है उसी के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर क्या ले लेंगे, इंडिकेटर ले लेंगे। जैसे फर्स्ट वाले टाइट्रेशन में क्या था, स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस था, स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस था, तो एसिड भी स्ट्रॉन्ग था बेस भी स्ट्रॉन्ग था, तो जो स्ट्रॉन्ग होता है ना उसी का अपोजिट वाला हम क्या लेते हैं, इंडिकेटर लेते हैं। तो यहाँ पर दोनों स्ट्रॉन्ग है तो ऑब्वियसली इंडिकेटर कोई भी लिया जा सकता है, मतलब बेसिक इंडिकेटर भी यूज कर सकते हैं और एसिड भी। याद है लास्ट लेक्चर उन्होंने क्या बताया था, इंडिकेटर जो है वो वीक ऑर्गेनिक एसिड या बेस होते हैं, ठीक है। तो जब दोनों स्ट्रॉन्ग है, जब दोनों स्ट्रॉन्ग है तो कोई भी इंडिकेटर यूज कर सकते हैं, ओके। तो स्ट्रॉन्ग एसिड वर्सेज स्ट्रॉन्ग बेस, एनी इंडिकेटर कैन यूज। Any indicator can be used. अगर हमारे पास strong weak acid versus strong base आ रहा है, अब देखो यहाँ पर क्या है, strong कौन है, base, strong कौन है, base, तो इसके opposite वाला indicator मतलब weak acid वाला हम use करेंगे, ठीक है। strong base है ना, तो जो स्ट्रॉन्ग है तो उसका अपोजिट मतलब एसिड, ओके। तो इसमें एसिडिक इंडिकेटर यूज किया जाएगा, स्ट्रॉन्ग बेस है तो एसिडिक इंडिकेटर यूज करेंगे, और फिनोप्लिन क्या था, एसिडिक ही था ना, फिनोप्लिन जो है वो क्या था, एसिडिक इंडिकेटर ही था, ओके। सो एसिडिक इंडिकेटर यूज किया जाएगा। अगर हमारे पास स्ट्रॉन्ग एसिड वर्सेज वीक बेस हुआ तो अभी स्ट्रॉन्ग क्या है, एसिड है, तो बेसिक इंडिकेटर यूज करेंगे, बेसिक इंडिकेटर इज यूज। तो बेसिक इंडिकेटर जैसे हमारे पास क्या है, मिथाइल ऑरेंज, ठीक है। एंड लास्ट वाला जो है वो क्या है, वीक एसिड वर्सेज वीक बेस वाला टाइट्रेशन, तो उसमें दोनों वीक है, उसमें दोनों क्या है, वीक, वीक एसिड वर्सेज वीक बेस, तो यहां पर दोनों वीक है, तो याद रखना कोई भी इंडिकेटर यूज नहीं किया जा सकता, ठीक है, नन इज यूज। तो यहां पर एक्चुअली हम इंडिकेटर यूज ही नहीं कर सकते क्योंकि जंप जो है बहुत ही छोटा होता है, ओके। तो कोई भी इंडिकेटर इस वाले टाइट्रेशन को जनरली नहीं बता पाता है, तो वीक एसिड वर्सेज वीक बेस के लिए कोई इंडिकेटर यूज नहीं किया जा सकता, ओके। तो हम तुम्हें ये चीज बता दी है, ये दो स्लाइड जो है ये याद रख लो इंडिकेटर वाले पार्ट। ओके, ये बस कंक्लूजन जो है ये था हमारे पास, ये इंडिकेटर वाले पार्ट का कंक्लूजन ये था कि कौन सा इंडिकेटर यूज करेंगे, बस ये काफी है, ओके। इसके अलावा मतलब ऑब्वियसली बाकी हमने जो कैलकुलेशन बताई तो वो तो कॉन्सेप्ट था पूरा कि यार कब कौन सा इंडिकेटर यूज किया जा रहा है, वो पता तुम्हें एक्चुअल में वहीं से लगेगा, ठीक है। एंड वहां से ऑब्वियसली काफी तुम्हारे पहले के जो कॉन्सेप्ट है वो भी क्लियर हो रहे थे, दैट्स व्हाई हमने ये पूरा पार्ट तुम्हें एसिड बेस्ड टाइट्रेशन वाला कराया था। बाकी इसका जो कंक्लूजन है वो याद रखो, वो इनफ है, ठीक है। तो वीक एसिड वर्सेज वीक बेस का जो टाइट्रेशन है इसमें कोई भी इंडिकेटर यूज नहीं किया जा सकता, लेकिन इन तीनों टाइट्रेशन में कोई ना कोई इंडिकेटर यूज कर सकते हैं। अगर दोनों स्ट्रांग है तो कोई भी इंडिकेटर यूज कर लो, ठीक है। वीक एसिड और स्ट्रांग बेस है तो फिर एसिडिक इंडिकेटर यूज करो, मतलब फिनोप्लिन कर लो। स्ट्रांग एसिड वर्सेज वीक बेस है तो यहां पर स्ट्रांग एसिड है ना, तो बेसिक इंडिकेटर यूज कर लो, मतलब मिथाइल ऑरेंज यूज कर लो। क्लियर है सबको? ओके, सो दैट्स इट। तो आज का लेक्चर हम यहीं पे खत्म करेंगे, होमवर्क नोट कर लो। तो होमवर्क जो है कुछ ज्यादा है नहीं, फाउंडेशन बिल्डर ऑब्जेक्टिव
क्वेश्चन नंबर 101 एंड 10। आज का होमवर्क बस इतना ही है। ओके, नो चैप्टर इज नॉट ओवर। अभी हमारे पास बचा है सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट वाला पार्ट बचता है, वो सॉल्ट जो पीपीटी बनाते हैं ना उनके बारे में पढ़ेंगे। रोहन बोलो, क्या डाउट है जल्दी बोलो भाई। अगर क्वेश्चन नंबर 103 पूछ रहे हो तो हम कल डाउट लेक्चर में बताएंगे। आज के दोनों जो होमवर्क के क्वेश्चन है वो भी और कल वाले भी। सर आई डिड नॉट अंडरस्टैंड द 40.1 ml पार्ट। रोहन 40.1 ml पर क्या हुआ? देखो 40.1 ml पर हमारे पास ये है, 40.1 ml पर क्या है, 4.01 mmol NaOH है और 4 mmol CH3COH है। तो CH3COH पूरा खत्म हो गया, NaOH 0.01 आया और 4 mmol CH3CONA हो गया। तो NaOH इज स्ट्रॉन्ग बेस एंड CH3CONA इज सॉल्ट, so it is not buffer, it is mixture of strong base and salt. So यहां पर जो pH है वो because of strong base आएगा। समझ आए रोहन? यस नितिन, कल डाउट लेक्चर में जस्ट डाउट ही डिस्कस करेंगे। डाउट मतलब पेपर के डाउट्स भी ले लेंगे और ये 3 डाउट भी ले लेंगे। अगर पेपर में कुछ डाउट है तो वो भी ले लेंगे और ये वाले भी ले लेंगे। ठीक है, चलो एंड करते हैं।